हल्द्वानी में आबकारी विभाग और पुलिस ने एसटीएफ की सूचना पर कमलवागंज गणपति विहार से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आरोपी विशाल मंडल पहले भी नकली शराब बनाने के मामले में जेल जा चुका है और आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग ने गणपति विहार स्थित मकान में छापा मारा तो वहाँ एल्कोमीटर से लेकर नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्री मिली। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नकली शराब भी तैयार पाई गई। साथ ही होलोग्राम और अन्य सामान भी आबकारी विभाग ने जब्त किया है। साथ ही तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एसटीएफ की सूचना और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा तीनों द्वारा संयुक्त रूप से गणपति विहार है कमलवा गांजा के पास, वहां पे दबिश दी गई। दबिश में पता चला कि वहाँ पे एक पूर्व में भी पकड़ा गया व्यक्ति है विशाल मंडल करके, जिसको 3-4 बार पकड़ा गया है। वो उसका मतलब काम ही यही है कि वो नकली शराब बनाता है। तो वहाँ पे दबिश दी गई, तो दबिश में एक उसके वहाँ से एक अल्कोहल मीटर मिला है, तैयार माल मिला है लगभग 221 पौए, बाकी खाली पौए की पेटियाँ हैं, कार्टन हैं और एक फिल्टर है जिससे वो ये सब है, लेबल है जो कि गलत तरीके से कुटरचित है। ये बेचने का इसका ये था कि या तो ये उधम सिंह नगर और लालकुआं क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ये पहले भी लालकुआं उधम सिंह नगर क्षेत्र में पकड़ा गया है तो वहीं बेचता था अपना। पर किस लेवल की शराब बना रहा था? ये देसी शराब बना रहा था, एकदम घटिया नकली लेवल की। इसमें जो इसके होलोग्राम और स्टिकर मिले हैं वो कुटरचित है, मतलब उसको इसने फर्जी रूप से बनाया है, जिसलिए हमने अपनी तरफ से तहरीर भी दे दी है मुखानी थाने में। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन कैबिनेट गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल संयुक्त रूप से करेंगे। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से जहां किसान खुश हैं, वहीं डोईवाला की अर्थव्यवस्था की भीड़ कही जाने वाली शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने से बाजारों में भी चहल पहल रहेगी। हालांकि सरकार की ओर से गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिससे कुछ किसान निराश भी हैं। किसान गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।